एवरीवन, तो कैसे आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कराची की लड़की। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सीन कुछ यूं है आज का कि आज हमारी गुड मॉर्निंग हुई है संडे वाले दिन, तकरीबन कितने बजे? 11:30 बजे। ठीक है, हम सबकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब बारी है हमारे फादर को उठाने की, क्योंकि वो ज़्यादा ही नेस्ती हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। तो ये रहे वो। गुड मॉर्निंग उठो। सो सब उठ चुके हैं, सिर्फ ये बंदा रह गया बस, और बेचारी का उतना ही काम है, पूरा घर समेटना। गुड मॉर्निंग संडे, गुड मॉर्निंग आपको, मुबारक हो। बेचारी के हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उस पर भी ये वही रूटीन के साथ काम करती है। वाह 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 वाह। ये हमारे घर का तो आप लोग जानते ही हो यार। हाँ, गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। मुँह तो धो लेती अच्छा, अलग नहीं रहा गाइस, इसका मुँह लग रहा है दुलावा। गुड मॉर्निंग। चलो जी, तो सीन कुछ यूँ है, आज है संडे और हम संडे को बनाने वाले हैं स्पेशल अपनी मस्तियों से, और अपने फेस पर हम स्माइल रखेंगे पूरा संडे। ठीक है, गुड हो गया। अभी ये काम हमने सबसे भी करवाना है, और अभी हम आपको मासी भी दिखाते हैं। हमारे घर में संडे को मासी आती है काम करने के लिए। सो दिस इज दी मासी। हेलो मासी। सबकी संडे को छुट्टी होती है, सब आराम करते हैं। क्या मासी मासी कर रही है? A few moments later. और कसम से बहुत मेहनती है। ठीक है, रिश्ता बड़ा है फरोख्त। अगर किसी सास को जो है मेहनती लड़की चाहिए तो हमारे घर में एक मौजूद है, आ जाओ। आगे का सीन बनाते हैं नाश्ता। चलो, फाइनली आवर नाश्ता इज हियर। हमारे नाश्ते में खाना ये होती है, तली हुई रोटी, बिकॉज आई लव दिस। ठीक है, और ये होती है हमारी चाय, दूध पत्ती वाली। ठीक है, ये होती है मेरा कप, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, ये जो है ना मलाई वाली चाय हम पीते हैं। सॉरी, ये मेरा कप नहीं था, ये मम्मा का कप था। वापस आ जाओ अपनी अपनी जगह, इज्जत पे आ जाओ। तो ये मलाई का कप होता है, ये मेरा कप होता है, क्योंकि मलाई हमें थोड़ी सी पसंद है, और हमारा नाश्ते में यही होता है। तली हुई रोटी इज़ माई फेवरेट रोटी, तो मैं वही खाती हूँ सुबह उठकर, मतलब रात की जो बची हुई, तो उसको तल लो भाई, फ्राई कर लो और मज़े से खाओ, बड़े मज़े की लगती है। और इसके अलावा ये लोग पूरी जो फैमिली है ना वो खाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या खाते हैं। अभी हमारे सामने जो है ना एक नई बेकरी खुली है, हिलाल बेकरी। वाह, सब सामान वहाँ हलाल तौर पर बिकता है। तो ये रहा जी हलाल बेकरी का सामान। तो ये लोग खाते हैं पापे, एक पापा कम है जो इतने सारे पापे उठा के लिए आएंगे ये लोग। तो अभी जो है ना हमारा नाश्ता टाइम है, और नाश्ते में हमारे ये सब होता है। अगर आप लोगों के भी यही होता है चाय पापा, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना क्या चाहिए? चाहिए। तो हाथ जोड़ के क्या बोल रही हो? क्या बोलियो? बोलो क्या दे दूँ? क्या दे दूँ? प्लीज मोबाइल दे दो प्लीज। हाथ जोड़ के कह रही है, क्या कह रही है? दे दो मोबाइल। हाथ जोड़ के बोलो पहले, जल्दी बोलो। बस कैंसल, अब नहीं मिलेगा, जाओ, अब नहीं मिलेगा, बाय बाय। हाथ काहे नजर नहीं आ रहे? ऊपर करो थोड़ा। हाँ, अब बोलो, हाथ ऊपर करो प्लीज। नो no. अच्छा चलो, आज तुम्हें मोबाइल दे ही देते हैं। चलो भाई, इसको मोबाइल देते हैं, और मोबाइल मतलब नाश्ता, ये सब हमारा नाश्ता है। नाश्ता करने के बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू व्लॉग को। ओके गाइस, हमारे यहाँ खाने में पकी है काली दाल चावल, रोटी और दाल। ठीक है, माय फेवरेट दाल काली दाल चावल। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हम कैसे खाते हैं, वो भी दिखाने जा रही हूँ। हम ऐसे चूर के खाते हैं। ठीक है, ये मेरी मामा का प्रोसेस है, मेरी दादी का प्रोसेस है, मेरी नानी का प्रोसेस है, और अब हमारी पीढ़ी से चलता आ रहा, ऐसी खाना खाते हैं। ठीक है, मतलब अगर रोटी के साथ दाल हो ना तो हम ऐसी खाना खाते हैं। चेक इट आउट, दिस माय फेवरेट प्रोसेस। सो गाइस, अब हो गया हमारा डिनर टाइम। ठीक है, और ये हमारे फादर खाना खा रहे हैं, हम सब पहले ही खा चुके हैं। नहीं, हमने किसी ने भी नहीं खाया खाना, मैंने तो खास तौर पे नहीं खाया, एक निवाला जो है ना मुंह में नहीं रखा। तो अभी जो है ना मैं आपको खा के दिखाती हूँ, टेस्ट बताती हूँ। काली दाल तो वैसे ही आपको पता है कि सबकी फेवरेट होती है, मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और फिलहाल ये हम ऐसे खाते हैं, तो टेस्ट वन। हेलो,
10 out of 10। अच्छा अभी जो है ना हमारे घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब के मम्मा पापा की वार चल रही है, देखती 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 का फाइटिंग चल रही है, जस्ट लाइक दिस। मतलब लड़ाई करते क्यों हो जब मनाना ही होता है लास्ट में, तो भाई मैंने खा लिया था। हमारे घर में कुछ ऐसा सही है ना, मतलब लड़ाई करते क्यों मतलब मनाना ही होता है लास्ट में। बाय बाय। सुबह बाबा ने मम्मा से खाना पकवाया कोयले की रोटी पे, और लास्ट में वही मुझे खिला दी, मैंने भी खा ली। हम तो खा रहे, हमें कोई ऐसा खिलाया तो मैं तो फौरन खा लूं, खा ही नहीं रही, नखरे खत्म नहीं हो रहे भाई। खाना खा लो, खाना बहुत मजा आया, 10 out of 10। अच्छा, और हमने तो 6 टाइम खा लिया। लड़ाई लड़ाई प्रोसेस चल रहा है। अच्छा हमने खाया था सुबह 12 बजे, ठीक है, तो ना सुबह 12 बजे हमने नाश्ता किया था, और अब जाके हमने ये खाना खाया है क्योंकि गैस नहीं थी घर में, परेशानी परेशानी। देखो ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है, क्या कहते हैं सर, हरी मिर्ची, नानी बनाती है ये, नानी का देसी टोटका है, बहुत जबरदस्त बनाती है मेरी नानी है ना, ये ऐसे ऐसे खाने बनाती है, ओह माय गॉड, वाओ 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 वाओ। ये है देखो जरा, हाफ प्लेट खाइए, मम्मा ने बता दिया था ना ये वही है जो कोयले पे बनाया था, सब फ्रिज में रखते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ कोई बात, हम अपने किचन में जा दो हैं, उसे ढक के रखते हैं। इग्नोर माई मैसी हेयर्स बिकॉज आज बाल बनाने तक का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी आज, तो इग्नोर माई मैसी हेयर्स। मेरा एक ही काम है, मतलब हर काम करने के बाद मेरा हैंड वॉश तो करना लाजमी है क्योंकि मुझे ई होती है, हर काम करने के बाद जो है ना हाथ धोना इज परमानेंट। तो देख रहा हूँ मेरे मैसेजर्स, आज फुल टाइम नहीं था मेरे पास, एक भी मतलब 5 सेकंड भी मुझे फ्री नहीं मिले कि मैं अपने बाल बांधती, अपने बालों को संवारती, तो इसलिए इग्नोर इग्नोर इग्नोर। मेरे पापा जो है ना काम ढूंढ रहे, क्या कर रहे हैं, इनका मैंने ब्लड प्रेशर हाई किया वैसे ही बात नहीं करते हैं, इनका काम करके देते हैं, इन्होंने सुबह से काम बोला तो बता मुझसे, मैं कितना बिजी हूँ सुबह से, बता जल्दी से बता, क्या बता क्या कर रही थी मैं सुबह से, लेटिंग थी बिजी, अस्तगफुरुल्लाह, मैं सुबह से बैठ के काम कर रही थी, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो हम करें आराम आराम, हमेशा ही करती रहती। आज सुबह से मैं आपको बता रही हूँ, आज सुबह से मैंने आराम नहीं किया है, मैं लेटी तक नहीं हूँ आज सुबह से, पता है बेड पे से उठी तक नहीं है। मतलब वही ना कहने का मतलब, डबल था मतलब, उलट कर लो ना, आप समझते ही नहीं हो, बेकार लोग यार, मतलब इसे मैं बेकार लोग कह रही थी, आप लोगों ने इसे कह रही थी मैं बेकार लोग, हैं तुम्हें कह रही थी ना, ये वो है ही नहीं बंदा। सब ढूंढ के रहती है, वो बंदा नहीं है भाई, नाम तो याद कर लेते, वही है मैं कह रही हूँ, वही है, सही है, घुटो क्या आप लोग गेस करें इन कमेंट सेक्शन में, इसके साथ क्या करने वाली हूँ, अगर किसी ने सही गेस किया ना उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगी, पैसा नहीं है फिर भी इनाम दूंगी, पैसा है मेरे पास, तो गैस करो कमेंट सेक्शन में, इसके साथ करने क्या वाली हूँ, इतना इंटरेस्टिंग करूंगी ना, बोले कि बाहर घर से बाहर निकल रहा, अभी निकाल रहा हम तुम्हें। तो गाइज आप लोग इन कमेंट सेक्शन पूछने वाले हैं कि भाई मम्मा पापा की लड़ाई क्यों हुई थी, भाई मम्मा पापा की लड़ाई इसलिए थी क्योंकि मम्मा जो है ना सुबह से पापा को नाश्ता नहीं दे रही थी, नाश्ता ना देने की वजह ये थी कि हमारी जो है ना गैस नहीं आ रही थी, लेकिन पापा को आया गुस्सा, पापा गए और फौरन फौरन से उन्होंने लगाई हमारे घर के अंदर आग, ईटर लाए, लकड़ियाँ लाए और उन्होंने लगा दी हमारे घर में आग, सही है। तो जब हम लोगों ने आग वगैरह लगा दी ना, तो हम लोगों ने भी मतलब पापा ने सारी मेहनत की गुस्से के अंदर, ब्लड प्रेशर हाई करने के अंदर, तो जब हमने सब आग वगैरह लगा दी ना, तो उसके बाद हुआ ये के
मम्मा को जबरदस्ती मम्मा को जाना जबरदस्ती मम्मा को जाना जबरदस्ती उन्होंने पकाने के लिए खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर रहा ना तो हमारे घर में पूरे पूरे घर के अंदर जाना धुआं हो गया था। उसके बाद सीन को चीं हुआ कि हम लोगों को तो इतनी तेज मिर्च लग रही थी, हम लोग पूरे घर के अंदर जाना कपड़ा बांध के घूम रहे थे आंखों के ऊपर कि हमें मिर्ची नहीं लगे। तो जो हमारी सबसे लास्ट वाली बहन है ना, मेरी सबसे लास्ट वाली बहन है, तो उसके कुछ ये रिएक्शन थे। मैं आपको पीछे से आवाज़ सुना दूंगी, वॉइस ओवर या जो है मैं आपको वीडियो ओवर ले करके लगा दूंगी। तो उसका जो है ना आवाज़ कुछ ये थी, मिर्ची हो रही है। तो अभी जरा हम सुबह से अब मुझे याद आया, मैं वीडियोस देख रही थी तो मैंने मम्मा को याद दिलाया, मम्मा आप तो रोटियां पका रही थी गुस्से के अंदर और मंतजा ये कह रही थी मिर्ची हो रही है। तो मम्मा जो है ना उसी बात को याद करते करते जो है ना मेरे साथ हंस रही है। हम दोनों ज्वाइन किया, अच्छा गानों की आवाज़ आप लोगों को आएगी ठीक है, क्योंकि हमारे घर में ना जो है ना शादी शुरू होने वाली है, भाई की शादी। याहू, अब जो है ना मज़ा आने वाला है, हम लोगों को भाई की शादी इंजॉय करेंगे। अभी कपड़े वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी मस्तियाँ, बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं बिकॉज भाई की शादी शुरू होने वाली है। और रेगुलर व्लॉग्स आएंगे 7 बजे या 7:30 बजे आप लोगों को व्लॉग्स मिल जाया करेंगे शाम के 7:30 सुबह, क्योंकि हम उठ नहीं सकते क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी है भाई, सुबह 12 बजे 1 बजे उठो सही है फिर काम करो। तो मैं 12-1 बजे से पहले तो व्लॉग्स अपडेट नहीं कर सकती, बट इंशाल्लाह आप लोगों शाम 7:30 बजे या 7 बजे आप लोगों को व्लॉग्स मिल जाया करेंगे। 7 बजे की टाइमिंग फिक्स करो ठीक है, हो गया डन। तो बड़े मजे के व्लॉग्स आने वाले हैं, उसी के साथ प्रैंक भी करने वाली अपनी छोटी सिस्टर के साथ। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड जरूर रहिएगा और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को शादी में, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये हमारे घर की शादी होने वाली है, भाई की शादी है, बट हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने को क्योंकि भाई पैसा भी नहीं है हमारे पास। जल्दी जल्दी से जो है ना नीचे से ऊपर आ गई क्योंकि भाई पीछे जो है ना वॉइस आ रही थी बिकॉज क्योंकि वहाँ साउंड था, गाने चल रहे थे, तो इस वजह से कि मेरी वीडियो में जो है ना कॉपीराइट नजर है। क्या मम्मा नीचे गई हैं गानों में? मम्मा गई हैं नीचे गानों में, मम्मा ये रही ठीक है। तो गाइस मैं जो पापा चले गए, देखते हैं कहाँ गए पापा। वे गए मम्मा, नीचे गए पापा। मम्मा पापा से चुपके लड़ी हुई मम्मा जो है पापा के साथ प्रैंक करने जा रही थी, ये चुपके लड़ी हुई मेरी पापा नीचे चले गए ढूंढने के लिए, वो समझे वो नीचे गाने में गई है। क्या होगा इन दोनों मियां बीवी का, 90s का प्यार है, इन लोगों का 90s का प्यार जागता है भाई, देखो तो जरा अभी बाबा आएंगे तो फिर हमको उनका रिएक्शन दिखाते हैं आपको, क्या देख के बाद क्या बोलते हैं। अभी नीचे ढूंढने गए वो, मम्मा कहाँ है तुम्हारी, किधर है? है नहीं घोड़ा बनी हो अम्मा कह रही है मजा तो नहीं चल रही मैंने सेटअप ऐसा किया हुआ है, पहले तो तकिया लगाया हुआ है, चुपचाप से पापा ना आ जाए, ये तकिया ऐसे लगाया, मम्मा के ऊपर चादर ऐसी उड़ाई, मम्मा पता ही ना लगे क्या कहाँ गई मम्मा। तो भाई ठीक है, तो अभी जो है ना हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। क्या मम्मा नहीं मिली हैं? अरे भूल मुंह पर छाट रहा हूं। क्यों, हमने क्या किया? चलो मतलब करते क्यों हो भाई, बाद में सॉरी बोलना पड़े तुम लोगों को, क्यों करते हो अपना वजन देखा है? अपना वजन कभी देखा है? नाइट दाबी से तो कम ही है नाइट दाबी ने व्लॉग देख लिया ना, घर पे आ जाएगी मेरे चलो चलो
अब डॉक्टर मतलब पूरा दिन तबियत खराब रखी मम्मा की पूरा दिन तबियत खराब रखी क्योंकि मम्मा की ब्लड प्रेशर हो रहा था लो, मम्मा को वो चक्कर आ रहे थे, लेकिन पापा ने फिर भी चक्कर में मम्मा से रोटियां पकवाई, खाना बनवाया, चाय बनाई, रोटियां बनवाई, मतलब हमारे गैस नहीं आती ना, सैटरडे को हमारे गैस नहीं आती, सैटरडे संडे जो है ना गैस आती नहीं, मतलब इतने भिखारी हो गए हैं लोग, गैस छीन लेते दूसरों के घरों की, अल्लाह पूछेगा इन लोगों से। तो जो है ना हमारे घर में गैस नहीं थी तो पापा ने जबरदस्ती पकवाया, मम्मा का ब्लड प्रेशर लो हो गया, सबका हाई होता है इनका लो हो गया, और इनको चक्कर भी आने लगे, तो अब जो है ना इनकी तबीयत खराब हो रही है, तो हमने सभी इंसिस्ट कर, ये जिंदगी है मेरी, जूते साफ करूंगी मैं, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी घर में, बड़ी बेटी की तो होती है लेकिन हमारी तो है ही नहीं भाई। हाँ बहुत है, बहुत है भाई, बहुत इज्जत। आप अपने ठिकाने पे जाओ, हम इनके जूते साफ कर के आते, इज्जत है मेरी, इज्जत है इस घर के अंदर। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, आराम से बेटा, आराम से। ओ, एक दफा इन्होंने जो है ना मेरा ये सर फाड़ा था, ये जो है ना ये ऐसा सर फाड़ा था, अल्लाह माफ करे, ये इनके जूते ये साफ कर देते हैं। इन्होंने मेरा सर फाड़ा, मैं डांस कर रही थी, और मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी कि मेरा सर कैसे फटा, सही है। अभी इनके फिलहाल जूते साफ कर दो, तो वरना मेरे को ना सुननी पड़ जाएगी। इन्हीं की शर्ट से कर देते, मैं सोच रही हूँ इन्हीं की शर्ट से कर देते। इनको पड़ेगा ना बड़ी जोर से फटा यार, 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 व्लॉग बनाना साथ नहीं, मेरा एक हाथ दुख गया भाई। चलो यार इनके जूते साफ करके इनको देते हैं, क्या करें, जाना है, और फिर भी बड़ी बेटी को इतना दुख दे के जाना है, दुख दे के ही जाना है, ऐसे नहीं जाएंगे ये लोग। मम्मा चाह रही है पहले आप उन्हें मनाओ, फिर वो जाएंगी डॉक्टर के पास। तो पापा मना नहीं रहे मम्मा को, बिकॉज पापा के अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है, कूट कूट के ना सिलबट्टे पे कूट दिया था इनकी मम्मा ने, और ईगो तो माशाल्लाह आसमान पे हाई हो रही हुई है। पापा मम्मा को बना लो, बनाओ तो पहले, वो सुबह का जो है ना मम्मा सोच के मेरे साथ क्या क्या किया मेरे शोहर ने, वो सोच के जो है ना मान ही नहीं रही, मैं और चढ़ा रही हूँ मसाले पे, जो ना वो नहीं थी आग पेट्रोल डालनी हूँ नहीं बनाएंगे, मुझे पता है ना एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है, और मैं फिर पेट्रोल भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, नहीं बनाएंगे, आई नो डैट नहीं बनाएंगे, मेरा फादर है ना, आई नो, मैं अच्छे से जानती हूँ इन्हें, बड़ी बेटी हूँ इनकी आप बाद में आई थी इस घर में, पहले मैं आई थी, है नहीं, पहले आप आई थी फिर मैं आई, मना तो लो हैं फादर, डैडी मना लो, डैडी कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, खड़ी हो अल्लाह मुंह आपको कह रहा खड़ी हो, ये भी नहीं सॉरी का एक वर्ड बोल दे, खड़ी हो अगले 15 मिनट से मैंने एक ही रेट लगाई है, खड़ी हो, और मैं पेट्रोल चढ़ा के रही हूँ उसमें। फाइनली मेरी मम्मा मान चुकी है, क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना बहुत मासूम है, किसी भी बातों में यूं ही करके आ जाती हैं, तो मम्मा मान चुकी हैं, और मम्मा जा रही है मेरे फादर के साथ डेट पर, स्ट्रीट डेट पर जा रही हैं। आई नो मैं इन लोगों को जो है अच्छे से जानती हूँ, ये लोग स्ट्रीट डेट पर जा रहे हैं। कहा यार बाबा है स्ट्रीट डेट का मतलब पता, स्ट्रीट डेट का मतलब पता, बहुत लड़कियाँ पटाई हैं उन्होंने स्ट्रीट डेट पर जा जाके, है मेरी माँ को भी ऐसी बताया था, बहुत मासूम थी ऐसी आ जाती थी, वो बस क्या करे, बस यही पढ़े थे नसीब में, है क्यों सही कह रही हूँ, कितनी लड़कियों को डेट लग गया यार, सच से जाना, सच बिल्कुल सच, ज्यादा नहीं 40 से 45, बस 40 से 45 है, मैं कितने के साथ जाऊँ, 1 या 2 4 5 6 मेरा सुनते ही जाया, निकल लो, अभी कोई प्लान नहीं है इनका निकल लो बस निकल लो चलो मेरी मम्मा फाइनली जा रही है स्ट्रीट डेट पे और डॉक्टर के पास, मैंने बोला है इनको स्ट्रीट डेट पे लेके जाओ और खाना वाना खिलाओ मम्मा को अच्छा सा, पैसे भी मैंने दिए मैं गरीब हुई मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं खुद कंगालू, मैं 1 रुपए की चीज मंगवा सकती, इनकी जेब है ना इनकी पॉकेट में से निकाल के जो 10 रुपए 20 रुपए मुझे मिलता है, मैं बड़ी बेटी घर की बड़ी बेटी 10 और 20 इस पे चलती हूँ, देखो मेरी वो चेक करो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो, बच्चों के सामने 20 रुपए खाती हूँ 20 रुपए साला ये दुख खाए खत्म नहीं होता रहे, कब आप मुझे 50 रुपए दोगे, कौन सा ऐसा दिन आएगा जब मैं कॉलेज 50 रुपए लेके जाऊंगा, पैसों की बात नहीं सुनते, पैसों की बात नहीं सुनते, 31 तारीख होगी फरवरी की, 32 तारीख होगी फरवरी, अरे वो मंथ कौन सा होता है जिसमें वो नहीं आती 30 डेट, फरवरी
फरवरी जनवरी चलो भूल के बताते हैं वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कन्वर्सेशन कह रही हूँ। असल में मेरी स्पीड ऐसी हो गई ना स्पीड पावर के मैं जो है क्या कहते हो यार सेल्स गर्ल हूँ ना आई नो यू नो डैट कि मैं सेल्स गर्ल हूँ मैं सामान वगैरह बेचती हूँ तो लोग जो है ना मुझे है मैं पागल हूँ मैं कैमरे में बात करती हूँ आप लोगों से नहीं करती सॉरी। तो मैं जो है ना आपको बताया कि मेरी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं आजकल तो मैं इसी सिलसिले में रहती हूँ ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहे हैं मैं कौन हूँ पागल मैं पागल हूँ मुँह से बोलो हूँ क्या बात कर रहा तू मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ बोल पागल मैं कैमरे से बात मैं मुझे कैमरे से बात करना बहुत पसंद है मेरा फैन नहीं है फैन फैमिली है मेरी है मैं कौन पागल मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ एक्शन कर लिया मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैंने एक्शन कर लिया पागल हूँ भाई दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए सही है मैं पागल हूँ भाई फाइनली पूरे के पूरे 12 घंटे बाद मैं अपने बालों के साथ रेडी हो चुकी हूँ। पूरे 12 घंटे के बाद मुझे टाइम मिला है वो भी सिर्फ 10 मिनट का तो मैंने सोचा क्यों ना उसके अंदर अपने हेयर स्टाइलिंग अपने बाल सवार लिए जाएं तो अब मैंने जो है ना अपने बाल सवार लिए बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आप लोगों को भी आई होप सो कि पसंद आए ऐसी लग रही है तो अब जो है ना हमारी बहन छड़ी वाली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है नाम की वो इनसे करवाते हैं तो थोड़ा नाराज़ है हमारे घर में सब नाराज ही रहता है हमारे घर में किसी के मुंह सीधे नहीं होते सबके मुंह पे 12 बजे होते सबके मुंह पे एक ही है अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू फाइन यू नो आई यू फाइन यू ये यू इंग्लिश नहीं आती उसे नहीं आती मैंने तो आपको पता है कि प्रो मैक्स इंग्लिश मारी है मुझे इंग्लिश आती है ना आती है ना समझ आ गई आपके आ गई पक्का आ गई नहीं आई तो मुझे बताओ मैं आपको बता देती समझ में आ गई इसके तो ये जा रही है लाइफ बड़े बड़े लोग हैं भाई लाइफ में मिलता है मैं अस्सलाम वालेकुम हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है मेरे हैं हेयर स्टाइल कैसे लग ये बाल कैसे लग रहे हैं मेरे मेरे बाल प्यारे लग रहे हैं हाँ। बोलो क्यूट लग रही हैं आप नहीं आपके बाल नहीं आपके बाल जितने हैं ना उतनी में उसी में खुश रहे आप मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है आपको जी बोलते हैं जी क्या कहते हैं आपके बाल जो है ना इसमें सिर्फ जो है ना एक चुटिया भी नहीं बनेगी ये चलो मैं आपको पोनी बना के दिखाऊं आपकी हाँ। नहीं बनेगी देखो अब आगे मुंह करो हाँ फ्रंट पे आओ ये देखो इतनी सी पोनी बनेगी उसमें भी आप क्यूटी सी जो ना वो नहीं होता कोकोनट का ट्री वो लगोगी सही है मैं कल बनाऊंगी और कल व्लॉग में दिखाऊंगी ठीक है। सो भाई यही करते हैं अपने व्लॉग को एंड अगर आप लोगों को तो भाई यही करते हैं अपने इस व्लॉग को एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।